भ्रष्टाचार और अवैध खनन रोकने की मांग को लेकर दुमका में भाजपा का 5 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन आज यानी मंगलवार को समाप्त हुआ। शहर के फूलोझानो चौक पर पूर्व मंत्री लुईस मरांडी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 30 जुलाई से यह धरना शुरू किया था। समापन के मौके पर लुईस मरांडी ने सोरेन परिवार के राजनीति से संन्यास लेने के लिए दुमका की धरती से एक और होल के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया। लोग अमन चैन से रहने के लिए आंदोलन करके, संघर्ष करके, लड़ाई करके उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाया है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस सोरेन परिवार को राजनीति से संन्यास दिला देगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं अब भी समय है अपने मान और सम्मान को आपको बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में जो आज यहाँ पर आवाज उठाई है, पूरे प्रदेश में आवाज गूंज रहा है, उस वो आवाज आपके कान तक भी जाए और नहीं तो आने वाला समय में फिर से एक भूल होगा। अब इसी दुमका के धरती से होगा, इसी संताल प्रगाना के धरती से होगा। वहीं राज्य के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सोरेन परिवार के सत्ता में रहते प्रदेश में भ्रष्टाचार और लूट का खेल रुकने वाला नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा, ये समापन नहीं आगाज है। भ्रष्टाचार जारी रहेगी, ये भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है। जब तक सिद्धू सोरेन परिवार सत्ता में बनी रहेगी तो शायद ये कोयला की चोरी हो या पत्थर की हो या बालू की हो या दारू की हो ये नहीं रोकेगी, जमीन की लोग हो ये भी नहीं होते, यहाँ तक कि हमारे बहू बेटियों भी सुरक्षित नहीं रहे। इसीलिए लड़ाई तो तब तक रहेगी कि जब तक शिव सोरेन के परिवार को संथाल सोरेन की धरती को उठा करके वापस बोकारो नहीं कर देते हैं, तब तक लड़ाई जारी। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।